सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर करूंगा वो तमाम इन्फॉर्मेशन एक केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो कैनेडी से केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है इस वक्त वो आपको शेयर करेगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, केमिकल इंजीनियरिंग जो है ना वो केमिस्ट्री नहीं है, वो केमिकल एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग है। इसका बेसिक स्कोप ये है कि प्लांट पे वर्क करना, प्लांट्स के इनपुट और आउटपुट को स्टडी करना, प्लांट्स में जो एक्युमुलेशन हो रही है उसको कम करना, अपने जो प्लांट है जो वर्क कर रहा है जिससे प्रोडक्शन हो रही है उसकी यील्ड बढ़ाना, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाना, ये होती है मेन जॉब केमिकल इंजीनियर्स की। अब इसका मेन स्कोप जो है ना वो फर्टिलाइजर कंपनीज में है, जहाँ भी प्लांट्स ऑपरेट हो रहे हैं। फर्टिलाइजर कंपनीज हो गई, जैसे एंग्रो हो गई, फातमा हो गई, ये सब फर्टिलाइजर हो गए, फिर कोका कोला, पेप्सी, इसके अलावा कहीं पॉलीमर का काम हो रहा है वहाँ पे यूज होगा केमिकल इंजीनियर का, यानी कि ये सब जगहें हैं। इससे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस बहुत हैं। दूसरा तुमने पूछा है मेजर सब्जेक्ट्स। मेजर सब्जेक्ट्स जो है भाई, इसके फर्स्ट ईयर में सबसे बेसिक कोर्स आता है सीईपी, फिर आता है थर्मो 1, फिर आता है थर्मो 2, फिर फ्लूड मैकेनिक्स आता है, फिर फ्लूड मैकेनिक्स 2 आता है, अच्छा फिर पार्टिकुलेट टेक्नोलॉजी आता है, फिर हीट ट्रांसफर आता है, फिर मास ट्रांसफर आता है, इसके अलावा क्या होता है यार वो सेपरेशन टेक्निक्स आता है, सीआरई आता है, ये सारे इसके मेन कोर्सेज हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी इस फील्ड के स्कोप के बारे में बात करेंगे और गर्ल्स इस फील्ड के अंदर एडमिशन ले सकती हैं या नहीं ले सकती इसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ में ये भी बात करेंगे कि इस फील्ड के अंदर हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और कौन से कोर्सेज जो हमारे मेजर कोर्सेज होते हैं। सो इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम आईएम बोलते हैं, और आईएम एक डॉटर फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। और आईएम और मैकेनिकल के जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत सारे कोर्सेज सेम भी होते हैं, और आईएम की जो है वो टू वेज होते हैं, आईएम फील्ड की ना टू वेज है हमारे पास, एक मैनेजमेंट साइड है और सेकंड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग साइड है। हम 4 साल के अंदर दोनों फील्ड की कोर्सेज को डिस्कस करेंगे, दोनों साइड के, मैनेजमेंट साइड भी और मैन्युफैक्चरिंग साइड भी। 4 साल के बाद स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो मैनेजमेंट साइड को चूज़ करता है या मैन्युफैक्चरिंग साइड को चूज़ करता है। और आईएम इंजीनियर जो होता है ना वो एक मल्टी प्रोफेशनल इंजीनियर होता है, क्योंकि वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर फिट हो सकता है, लाइक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सो वो किसी भी ना इंडस्ट्री के अंदर फिट हो सकता है, क्योंकि जो हम कोर्सेज जो पढ़ते हैं ना तो हम हर फील्ड के कोर्सेज को टच करते हैं, तो इस वजह से वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर फिट हो सकता है। और बात रही गर्ल्स इस फील्ड के अंदर एडमिशन ले सकती हैं या नहीं ले सकती, गर्ल्स का जो रेशियो है ना इस डिपार्टमेंट के अंदर वो अराउंड 50% है, और गर्ल्स के लिए मैनेजमेंट साइड जो है वो बेस्ट साइड होती है, क्योंकि वो उसके अंदर ऑफिस वर्क भी होता है, वो आराम से काम कर सकती है। और बात करें सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ होते हैं इस फील्ड के अंदर, वो मैटलैब का यूज़ होता है, मिनीटैब का यूज़ होता है, सॉलिड वर्क्स का यूज़ होता है, और इसके अंदर जो हमारे मेजर जो कोर्सेज हैं वो कैड हो गया, कैम हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग हमारा एक कोर्स होगा उसको हम वो पढ़ते हैं, इसके अलावा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ये हमारे मेजर कोर्सेज हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड है। और ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास एक बेस्ट चांस होता है कि आप मास्टर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के अंदर मास्टर कर सकते हैं, इसके अलावा आप मैकेनिकल के अंदर कर सकते हैं, और आप मैनेजमेंट साइड पे मूव कर सकते हैं, लाइक एमबीए कर सकते हैं सप्लाई चेन के अंदर। सो इस फील्ड के अंदर आपके पास इंजीनियरिंग प्लस आप एमबीए भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। सो थैंक यू गाइस, होपफुल आपको ये वीडियो पसंद आएगी।